आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रबड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक होम क्रिएटिविटी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रबड़ी, घर में कैसे बनाएं। इसके लिए हमारे को चाहिए होगा 1.5 किलो फुल क्रीम दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, वो फुल क्रीम होना चाहिए। इसको हम गैस पे उबलने के लिए रख देंगे और हमने इसको एक उबाले आने तक थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। इसको चलाते रहना पड़ेगा तक, क्योंकि हमारा दूध ये मतलब जल ना जाए नीचे से, क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे लगने का डर है। बस एक उबाला आ जाए, एक उबाला आ जाएगा तो ये शैडो में जो ये मलाई आ रही है ना, आपको इसके अंदर मलाई जमने नहीं देनी है। जैसे ऊपर मलाई आएगी आपको हिला देना है, बस वो शैडो से मलाई आती जाए उसको बीच में करते जाए उतार उतार के। रबड़ी में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई फालतू का झंझट नहीं है। अब ये जो गर्म दूध है इसको हमने थोड़ा सा बाहर एक कटोरी में निकाल लिया है और इसमें हम कुछ डाल लेंगे केसर के धागे। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर डाल लें, नहीं है तो आप येलो फूड कलर होता है या हल्दी, वो भी डाल सकते हैं। हल्दी से आपको पता भी नहीं चलेगा, पहले जब मेरे पास केसर नहीं था मैं हल्दी डाल लेती थी तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि इसमें हल्दी डली हुई है। और इसमें डाल दिया इलायची पाउडर, इसको भी अच्छे से उबलने दें। दूध में बस आपने ये काम करना है कि आपकी जो दूध की मलाई है वो जमे नहीं। अभी हमारे केसर ने देखिए गर्म दूध में कितनी जल्दी रंग दे दिया है। और इसको भी हम हिला के अच्छे से अपने बाकी दूध में मिक्स कर देंगे। इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है केसर का। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मैं विदाउट केवड़ा बना रही हूँ क्योंकि वो मुझे वो थोड़ा अच्छे टेस्ट नहीं लगता उसका। बट डलता है लोग जो रोज़ वाला एसेंस आता है वो भी डालते हैं, बट मैं सिंपल बनाती हूँ। मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आती है तो मैं ये मोस्टली बनाती ही रहती हूँ। ये देखिए हमारा दूध उबल के कितना गाढ़ा हो चुका है। हमने बस इसकी साइड से मलाई उतारते गए और बीच में करते गए, और कुछ नहीं करना है इसमें। थोड़ी थोड़ी देर में आप आएँ अपना काम करते रहें और आएँ इसको हिलाएं और चले जाएं अपना काम करने के लिए दोबारा। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी। चीनी आप ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि रबड़ी में थोड़ा सा कम मीठा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं। बट ये मीठा बिल्कुल सही पड़ेगा आपका। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इसको हम 2-3 मिनट और ऐसे उबालेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। ये हम चीनी मिला लेंगे अच्छे से। 2-3 मिनट बाद आप खुद ही गैस बंद कर दें। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये मेरी ठंडी हो चुकी है। अब चाहें तो आप इसे ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे बेटे को ड्राई फ्रूट वाली पसंद आती है और बेटी को प्लेन, तो मैं दोनों तरीके की निकाल लेती हूँ। ये हमारी बन चुकी है रबड़ी तैयार, ठंडी ठंडी आप सर्व करें। पहला चम्मच हमारे लड्डू जी के लिए। दूसरा चम्मच आपके लिए। आइए आप भी खाए, खा के बताएं कैसी बनी है।